प्रदीप जी, हमारे दर्शक सहज भाव में बताएं, बहुत सरल भाषा में बताएं कि सूर्य का मजबूत होना क्यों जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि सूर्य कमजोर हो जाते हैं तो क्या जीवन में हमारे प्रभाव पड़ता है जी। तो सूर्य को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल। अगर आप देखें, एक कॉमन अपने आसपास भी देखें, या जितना हम एक नॉर्मल व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो रात होती है फिर सुबह होती है। रात का अंधकार जब सूर्य उगता है तो आपको रात का अंधकार को मिटाता है। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं कि जो अंधकार को मिटाने वाला है वो सूर्य है। जब जिस ज्योतिष की हम बात करते हैं उसमें महर्षि पराशर यानी कि बृहत पराशर होरा शास्त्र, जो एक विशेष रूप से जो आपका ज्योतिष ग्रंथ है, तो वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो महर्षि पराशर जब ज्योतिष को बताते हैं अपने शिष्य मैत्रेय को, तो मैत्रेय उनसे पूछते हैं, तो पराशर जी उनको बताते हैं, ज्योतिष का पूरा ज्ञान देते हैं कि जिस प्रकार मैंने ज्ञान लिया है, ब्रह्मा जी से सुना है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें वो कहते हैं कि जो इस जगत की उत्पत्ति के कारक हैं सूर्यदेव, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। अच्छा। मैं सरस्वती जी को नमस्कार करता हूँ और ब्रह्मा जी को नमस्कार करता हूँ। तो ग्रहों में सिर्फ वो एक ही प्लेनेट का नाम लेते हैं सूर्य का, जो जगत उत्पत्ति के कारक हैं। तो जगत उत्पत्ति के कारक हैं मतलब जो हमारे भी उत्पत्ति के कारक हैं, यानी कि अगर आपका जन्म इस पृथ्वी पे हुआ है तो वो सूर्य के कारण हुआ है। इसके साथ साथ जब हम नवग्रह स्तुति करते हैं तो उसमें जो सूर्य के लिए स्तुति की जाती है, तो उसमें कहा जाता है कि जो सारे पाप को नष्ट करने वाला, जो अंधियारे को मिटाने वाला, जो जगत की उत्पत्ति के कारक हैं, वो सूर्य हैं। यानी कि आपके जीवन में अगर सारे पापों का नाश होना है तो वो सूर्य करेंगे। अब इसको हम कैसे देखें कि अगर आपका सूर्य कमजोर है तो कुछ गड़बड़ है, अगर आपको सूर्य अच्छा मिला है तो मतलब आपके कुछ पुण्य आपके साथ अर्जित हैं। अब हम इसमें एक एंगल और जोड़ लेते हैं। अगर आप काल पुरुष कुंडली देखें, जो मेष राशि से स्टार्ट होती है और मीन राशि तक जाती है, यानी कि जो नेचुरल फॉर्म है, तो वहां पर जो पुण्य कर्म हमारे होते हैं, संचित हमारे पुण्य कर्म है, उसके लिए हम फिफ्थ हाउस देखते हैं। और फिफ्थ हाउस के पांचवें घर के जो मालिक बनते हैं, जो स्वामी बनते हैं, वो सूर्यदेव है, क्योंकि उनकी सिंह राशि आती है और उसके स्वामी कौन है, सूर्य। तो पुण्य कर्म को देखने के लिए सूर्य फिर महत्वपूर्ण हो गए। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि जी आपकी पत्री में पितृदोष है, पितृदोष मतलब आपने कुछ पूर्व जन्म में ऐसे कार्य किए हैं जो इस जीवन में आपको अड़चने देने वाले हैं, हर काम में रुकावट करने वाले हैं, तो यानी कि फिफ्थ हाउस आपका खराब है, पांचवा घर आपका कुंडली का खराब है और सूर्य खराब है। अच्छा, पितृदोष से इसका प्रभाव पड़ता है। यस, तो पितृदोष के लिए या तो आपका फिफ्थ हाउस खराब है, पांचवा घर विशेष रूप से, या आपका सूर्य खराब है। सूर्य खराब का मतलब क्या है कि वो मैलिफिक प्लेनेट पापी ग्रहों के प्रभाव में आ गया है, यानी कि वो राहु शनि मंगल जैसे प्लेनेट के प्रभाव में है। अच्छा। तो अगर आप सूर्य को डिस्टर्ब करेंगे, तो ये तो अभी हमने इतना महत्वपूर्ण जाना कि पराशर जी ने क्या कहा, नवग्रह स्तुति में व्यास जी ने क्या कहा, तो अब नॉर्मल वे में भी हम देखते हैं कि अगर सूर्य ना हो तो जीवन असंभव है, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और सूर्य को जो कहा वो आपकी आत्मा, क्योंकि जन्म आपकी आत्मा से हुआ है, तो जब भी हम कुंडली बनाते हैं तो जिस भी समय आपका जन्म होता है सूर्य आपकी कुंडली के उसी भाव में दिखता है। जैसे अगर आपका जन्म सुबह 6 से 7 8 बजे के बीच में हुआ है तो सूर्य आपके लगन में मिलेगा आपको। मतलब वो डिपेंड करता है कि उस समय सर्दियां थी, गर्मी थी, सूर्य किस समय उदय हो रहे हैं। अगर दोपहर में आपका जन्म हुआ है तो सूर्य आपके दशम भाव में मिलेगा, साउथ में। अच्छा, मतलब जन्म के हिसाब से भी सूर्य का प्रभाव हमारी राशि पर पड़ने वाला है। अगर आपका जन्म इवनिंग में हुआ है सूर्यास्त के समय, तो यानी कि वो मिलेगा आपके सेवंथ हाउस में, जो आपकी कुंडली में पश्चिम दिशा है। अब अगर रात्रि में हुआ है 12 बजे तो वो मिलेगा आपके फोर्थ हाउस में, यानी कि आपकी नॉर्थ दिशा में। अच्छा, तो यानी कि सूर्य कहां लेके आप पैदा हुए हो वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए। अब सूर्य को हमने ग्रहों में राजा कहा, सूर्य को हमने 9 ग्रहों का राजा माना है। तो राजा क्या है कि शासन करता है,
लेकिन आप देखेंगे कि अगर किसी की पत्री के दशम भाव में सूर्य है तो उसके प्रशासनिक जॉब में जाने के चांसेस सबसे ज्यादा अधिक हो जाते हैं, यानी कि वो IAS IPS हो सकते हैं अगर दशम भाव में सूर्य है। अच्छा। अब यही सूर्य अगर आपका सिक्स्थ हाउस में चला जाए, तो आप सेवक बन जाएंगे, वो राजा जो सेवक है, क्योंकि छठा घर आपकी सेवा का है। दशम भाव आपके कर्म का है, आपकी अथॉरिटी का है, यानी कि जो दशम घर में बच्चा सूर्य लेके पैदा हुआ है वो इस जन्म में अथॉरिटी के साथ शासन करने के लिए पैदा हुआ है। मतलब प्रबल संभावना सिविल सेवा जैसे बड़े पदों पर जाने के लिए सूर्य दशम भाव में यदि है इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब सूर्य चूंकि राजा है तो आज के कॉन्टेस्ट में उसको हम कैसे देखेंगे कि सूर्य राजा मतलब आपको गवर्नमेंट से लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल। तभी तो आप दशम में लेके हुए तो आप राज करेंगे। बिल्कुल। प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए आपको गवर्नमेंट का फेवर चाहिए, या राजनीति में अगर आप टॉप पे जाएंगे तो वो भी आपको अथॉरिटी देता है। तो यानी कि सूर्य आपकी आत्मा को बताएगा, सूर्य आपको राजा से किस प्रकार के संबंध आपके रहने वाले हैं, यानी कि सरकार से क्या लाभ मिलने वाला है वो बताएगा। आपके शरीर में हड्डियों का कारक सूर्य, अगर किसी का सूर्य निर्बल अवस्था में है तो उसके अंदर विटामिन डी की कमी सबसे जल्दी आएगी। सूर्य आपका निर्बल है तो हो सकता है कि आप नमक का सेवन बहुत ज्यादा करते हो। जी, यानी सेहत के लिहाज से भी सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है। आप सूर्य अगर निर्बल है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाएगा अगर निर्बल अवस्था में है, यानी कि जो आपकी रोग से लड़ने की एक क्षमता है वो कमजोर पड़ जाएगी। आपकी आंखों की रोशनी, अगर सूर्य निर्बल है तो आपकी आंखें डिस्टर्ब रह सकती हैं, आपको चश्मा लग सकता है। जी, विशेषकर से सीधी आंख में। अच्छा, मतलब राइट साइड। राइट आई में। अब इसको मजबूत अगर रखेंगे आप तो आपको इन सारी चीजों से विशेष लाभ मिलेंगे। तो विशेष तौर पे हमारे दर्शकों को सूर्य को मजबूत करने के उपाय भी आप बताते चलें। जी, तो सूर्य को मजबूत करने के लिए हम 2-3 तरीके से उपाय कर सकते हैं। जी। सबसे पहले अगर आप पूजा पद्धति से उपाय करते हैं तो आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का नियत पाठ करना चाहिए। बिल्कुल, अपने दर्शकों को बता दें कि आदित्य हृदय स्त्रोत का आप नित्य पाठ करें, इससे सूर्य प्रबल हो जाएगा। जी। पिता के समान जो व्यक्ति है उनको आदर सम्मान दें, पिता के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखें। जी। क्योंकि अगर आपका सूर्य निर्बल होगा तो वो आपका मतभेद पैदा करेगा आपके पिता के साथ। सूर्य कमजोर होने से ये भी बड़ा कारण है। तो आपको व्यक्ति को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा अगर उसके पिता से नहीं बनती है तो एक कारण ये हो सकता है कि आपका सूर्य निर्बल है। जी। अगर आपका सूर्य अच्छा होगा तो आप आज्ञाकारी पुत्र होंगे। अगर सूर्य मजबूत है तो पिता से संबंध मधुर होंगे। पिता से के समान व्यक्ति सूर्य, इसके साथ साथ जब हम महादशा अंतरदशा पे गौर करते हैं तो अगर आपने सूर्य की अपनी महादशा में किसी का अगर आपने मान सम्मान को ठेस पहुंचाई होगी या पहुंचाएंगे तो जब सूर्य के बाद चंद्र की महादशा आएगी तो आपको मानसिक रूप से उससे 10 गुना चोट पहुंचाएगी। अगर आपके मन में भी अपनी कुंडली को लेकर किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं आचार्य प्रदीप जी से, तो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, ईमेल आईडी भी फ्लैश हो रही है, आप उस पर अपनी जन्म तिथि तारीख स्थान समय बता सकते हैं और हम आपको सहज भाव में इसके बारे में आपकी कुंडली के बारे में हम आपको बताएंगे। आचार्य प्रदीप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो आपने देखा कि किस प्रकार से साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से हम जानते हैं कि हमारा आगामी सप्ताह कैसे बेहतर होगा, और जैसा कि हम हर बार एक विशेष प्लेनेट के बारे में आपको बताते हैं तो इस बार बारी थी जो ग्रहों के राजा हैं सूर्य, उनके बारे में हमने सहज भाव में बताया कि किस प्रकार से हम अपने इस राजा को यानी कि सूर्य को हम मजबूत कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम फिर लेकर हाजिर होंगे साप्ताहिक राशिफल और जानेंगे किसी एक विशेष और प्लेनेट के बारे में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।